फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मूंग की दाल की वड़ियों की रेसिपी। आप इसे मंगोड़ी भी कह सकते हो और ये गर्मियों में बनाकर खाई जाती है। और इसे लेकिन जो बनाया जाता है वो फरवरी और मार्च में बनाया जाता है, जिस टाइम धूप बहुत अच्छी होती है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं राजस्थानी मंगोड़ी या मसाला वड़ियाँ। मूंग की दाल की मंगोड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप मूंग धुली दाल ली है। आप इसकी जगह मूंग छिलका दाल भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 घंटे के लिए इसको हम भिगो देंगे। इस दाल को हम 3 से 4 बार पानी में अच्छी तरह धो लेंगे। 4 से 5 बार मैंने इस दाल को अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इसे 4 घंटे के लिए ढककर छोड़ देते हैं, जिससे कि दाल अच्छी तरह फूल जाए। 4 से 5 घंटे बाद देखिए हमारी दाल फूल गई अच्छी तरह, डबल साइज की हो गई है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में छान लेते हैं। पानी को बिल्कुल रिमूव कर दिया दाल में से। अब हम इसे एक जार में डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदरक का टुकड़ा। साथ में हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च और हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग और इसको हम ढक्कन लगाकर अच्छी तरह मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दाल को पीस लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ, हमें इसी तरीके की दाल चाहिए थी। अब हम इसे एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। अब हम इस दाल को 5 से 6 मिनट के लिए हाथ से फेंटेंगे। हमने इस दाल को पीसने में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करा है। 5 से 6 मिनट बाद दाल देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसकी मंगोड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे एक परात ले ली है, आप प्लेट में भी बना सकते हो और आप प्लास्टिक की शीट पे भी मंगोड़ी बना सकते हो। तो हम इसको हल्का सा ग्रीस कर देंगे ऑयल से, चारों तरफ अच्छी तरह लगा देंगे हम। अब हम इसे बनाएंगे इस तरह से प्लास्टिक की कीप से। आप चाहो तो हाथ से भी मंगोड़ी तोड़ सकते हो, मैं आपको हाथ से भी तोड़ के दिखाऊंगी। अब इस तरह से हमने एक प्लास्टिक का बैग ले लिया है आपको। अब मैं इसके अंदर इस दाल की पिट्ठी को डाल दूंगी, बाकी साइड में रख देंगे। अब हम वो बर्तन ले लेंगे जिस थाली में हम इस मंगवाड़ी को बनाएंगे। मैं कैची से कट कर दूंगी आगे से कीप को, आप अपने अकॉर्डिंग साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। अब हम इस तरह से छोटी छोटी मंगोड़ी बनाएंगे। देखिए कीप से क्या होता है कि बहुत जल्दी बन जाती है। फ्रेंड्स, अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी इससे कीप से मंगोड़ी टूट रही है। इसी तरह से हम बाकी थालियों में भी मंगोड़ियां तोड़ लेते हैं। देखिए बस आपको हल्के हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करना है, ये अपने आप ही निकलती जाएगी दाल इसके अंदर से। कितनी आसानी से बन रही है देखिए आप, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्लेट में हाथ से मंगोड़ी तोड़ के दिखाती हूँ कि हाथ से मंगोड़ी कैसे तोड़ी जाती है। हम दाल ले लेंगे इस तरह से हाथ में और छोटी छोटी मंगोड़ी बिल्कुल ऐसे हम इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। आप देखिए बस ये कि हाथ से थोड़ा टाइम लगता है और आप प्लास्टिक की कीप से तोड़ोगे तो ये जल्दी टूट जाती है। मैं सिर्फ आज आपको मंगोड़ी की ही रेसिपी बता रही हूँ कि मंगोड़ी कैसे तोड़ी जाती है, मंगोड़ी से क्या क्या चीजें बनती हैं, मैं उसकी रेसिपीज भी आपको जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। देखिए हमारी हाथ से भी सारी मंगोड़ी टूट के तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अब मैं इन सब प्लेटों को धूप में रख देती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारी प्लेट्स को धूप में रख दिया है और इन्हें हम धूप दिखाएंगे 5 से 6 घंटे की, और ये प्रोसेस हम 2-3 दिन तक लगातार करेंगे। फ्रेंड्स, 5 से 6 घंटे बाद हमारी मंगोड़ी काफ़ी हद तक सूख गई है और आप देखिए कितनी आसानी से निकल रही है, क्योंकि हमने प्लेट में ऑयल लगाया था।
इसी तरह से हम सारी प्लेट्स की मंगौड़ियाँ निकाल लेंगे, लेकिन हम इन्हें 3 से 4 दिन के लिए धूप में रखेंगे जिससे कि अच्छी तरह सूख जाए और इन्हें हम साल भर तक स्टोर करके रख सके। अब हम इन सब प्लेट्स की मंगौड़ियों को एक प्लेट में खाली कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी मंगौड़ी बिल्कुल बनके तैयार है। अगर आपको राजस्थानी मंगौड़ी या वड़ियों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिए कि आप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टाटा बाय, टेक केयर।